कल यानी कि फिनाले वाले दिन कौन सा कंटेस्टेंट देने वाला है हम सबको और बाहर जनता को बड़ा सरप्राइज, और क्या क्या लाइंड अप है आप सबको पता है कि कल का एपिसोड जो है वो 5 घंटे चलने वाला है। तो भाई 5 घंटे में क्या क्या एंटरटेनमेंट हमको मिलने वाला है बिग बॉस की तरफ से और कंटेस्टेंट्स की तरफ से, ये तो बहुत साफ है कि भाई मिलेगा ही, क्योंकि अभी के प्रोमो के मुताबिक जिस तरीके से शालीन भनोट ने अपना डांस दिखाया उसमें वो भी कि शालीन और टीना का नाम एक साथ नहीं आ सकता, मुझे टीना से दूर रखिए, और ये सारे स्टेटमेंट जो है वो शालीन के डांस में पीछे वॉइस में आ रहे हैं और ये प्रोमो में भी आया है। तो मज़ा तो बहुत आने वाला है कल का एपिसोड देखने के लिए। और आपको बता दें कि आज के एपिसोड में रोहित शेट्टी आने वाले हैं खतरों के खिलाड़ी का प्रमोशन करने के लिए और सिलेक्शन करने के लिए दो कंटेस्टेंट्स का। अगर सोर्सेज की मानी जाए तो दो कंटेस्टेंट्स को उन्होंने सिलेक्ट भी किया है, तो कौन है वो और कल क्या क्या होने वाला है और किस हिसाब से लाइन अप है सारी चीज़ें, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। तो अगर बिग बॉस की बात की जाए तो कल फिनाले है और इस मोमेंट पर अगर सबसे ज़्यादा कोई एक्साइटेड है तो कंटेस्टेंट से भी ज़्यादा वो जनता है, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे सवाल है कि यार आखिर बिग बॉस जीतेगा कौन, क्योंकि एक मोमेंट पर ऐसा लग रहा है कि शिव ठाकरे जो हैं वो ट्रेंड कर जा रहे हैं, फिर अचानक से उनके ऊपर एमसी स्टैन आ जा रहे हैं और उन दोनों को टेक ओवर करते हुए प्रियंका शाह और चौधरी आगे जा रही हैं। ये तीनों ही कंटेस्टेंट हैं जिनको जो है टॉप 3 माना जा रहा है और अर्चना और शालीन को लोग क्या पता क्यों कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं कि ये बिग बॉस के विनर बन सकते हैं। और मीडिया का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद तो कहीं ना कहीं अर्चना जो है वो 7वें आसमान पर है इस मोमेंट। जो अर्चना को लेकर बाहर लोग प्रेडिक्शंस लगा रहे थे कि अर्चना जो है बैग लेकर जाएंगी, मीडिया के बातचीत के बाद शायद अर्चना एक चीज़ समझ चुकी है कि वो पैसे वाला अगर बैग लेंगी तो कहीं ना कहीं उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी होने की आशंका है। तो ये चीज़ तो हमने आपको पहले ही बताई थी कि प्रियंका और अंकित जो है वो डांस करने वाले हैं, तो अभी और भी लोग हैं जो डांस करने वाले हैं और क्या क्या होने वाला है आपको बता दें। देखो सबसे पहली चीज़ तो अर्चना गौतम है जो खुद सोलो परफॉर्मेंस देने वाली हैं, देन बिग बॉस के घर से जो बाहर निकल गए हैं सुम्बुल तौकीर खान, उनका भी सोलो परफॉर्मेंस है और इस चीज़ का खुलासा खुद सुम्बुल ने किया है, उन्होंने डाला भी था अपने इंस्टाग्राम पे फोटोज डाले थे परफॉर्मेंसेस के। और साथ ही साथ निमृत कौर अहलूवालिया जो है वो भी परफॉर्मेंस देने वाली हैं, देन शालीन का परफॉर्मेंस है वो तो हमने आपको बताया भी था, और शालीन के सॉन्ग्स है बिजली बिजली कुकड़ू को और सलमान खान की मूवी से गाना है बजरंगी भाईजान से। देन शिव ठाकरे जो हैं वो भी डांस करने वाले हैं, मंडली का जो सब मंडली के सारे लोग मिलकर एक डांस परफॉर्मेंस देने वाले हैं। और सबसे बड़ा हाईलाइट तो ये कि प्रियंका और एमसी स्टैन का भी परफॉर्मेंस है, देन अब्दू रोजिक वो भी सिंगिंग, उनका कोई सिंगिंग का परफॉर्मेंस होने वाला है, देन डांस का परफॉर्मेंस होने वाला है और साथ ही साथ मंडली के साथ भी वो परफॉर्म करने वाले हैं। मतलब इतना तो है कि कल का जो एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा पावर पैक्ड होने वाला है, एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होने वाली है, तो मज़ा तो बहुत आएगा कल का एपिसोड देखने में। इस बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर, और इसी तरीके की बिग बॉस की इनसाइडर इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी गॉसिप्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।